गणेश मंडलों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को सहायता देना, युवाओं में प्रतिभा निखारना जैसे अनेक कार्य किए जाते हैं। ऐसा ही एक उपक्रम डीएस ग्रुप के तरफ से किया गया है। आइए ले चलते आपको इस मंडल में। सबसे पहले तो मैं सब आधार वालों को बहुत तहे दिल से नमस्कार करता हूँ कि वो हमारे मंडल पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी ग्रुप और मंडलों को एक विनती करूँगा कि उनको बताए, उन बच्चों का उत्साह देखे, उनको कितना बढ़िया मज़ा आएगा, उन बच्चों को और हमको भी ये देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गणपति अप्पा। सर्वप्रथम मी डीएस ग्रुप उल्हासनगर पास त्याचा खूप आभारी आहे, कारण त्याने आमच्या मुलांना संधी दिली इथे येण्याची, कारण त्यांना एक्सपोजरची गरजच असते। कारण कसं असतं की संस्थेमध्ये ही मुलं एका ठिकाणी असतात, तर त्यांना एक्सपोजर मिळालं पाहिजे। आणि डीएस ग्रुप जो आहे तो आम्हाला मला वाटतं तिसरं किंवा चौथं वर्ष त्यांनी आम्हाला सतत बोलवलेलं आहे आणि खूप छान प्रकारे त्यांनी आमच्या मुलांना हँडल केलेलं आहे, सहकार्य केलेलं आहे। आम्हाला खूप आम्हाला बरं वाटतं की इथे आल्यानंतर आम्हाला कुठे वेगळ्या ठिकाणी आलं असं आम्हाला वाटत नाही। आम्हाला असं वाटतं की आम्ही आमच्या आधार संस्थेतच आहोत। काका, 2 साल के बाद गणेश उत्सव आया है, आपको कैसा लग रहा है? ना अच्छा लग रहा है, मेरे से ज़्यादा बच्चे लोग खुश है, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल कैद थे, वो अंदर थे, डॉर्मेंट्री के बाहर नहीं जा सकते थे, कोरोना की वजह से उतना एंजॉयमेंट भी जैसे रुक गया था। ये साल इतना एंजॉय किया, हमारे आधार में भी गणपति आता है तो 5 दिन का गणपति रहता है, तो बहुत एंजॉय किया। अभी ये साल इधर आए तो देखो आप खुश देख रहे हैं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं कितना एंजॉय किया बच्चों ने। तो बच्चों को अच्छा लगता है किधर जाना, दूसरे लोगों से मिलना, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना कि भाई एक जगह पे मैं रहूँगा, अकेला रहूँगा, तो सबके साथ रहेगा तो बहुत अच्छा रहता है। और आपकी जैसी जी जो ग्रुप्स है, लोकल मंडल्स है जो संस्था को हेल्प करते हैं, तो इसकी वजह से एनजीओज भी चलती है। तो मैं एक बार फिर से यही कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप लोग ने हमको यहाँ बुलाया और आगे भी हमको बुलाएंगे और हमारे बच्चों की ऐसी देखभाल करेंगे। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।